प्रदेश अध्यक्ष भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। यह बैठक पंचायती राज मिशन पंचायती राज विभाग में संचालित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मचारी संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए बुलाई गई है और समस्याएं तो कई तरह की हैं, उस पर आज चर्चा हो रही है, जिसमें हमारे 8 से 10 मंडल के हमारे मंडलीय कंसल्टेंट और पदाधिकारी आए हैं जी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम मिशन निदेशक से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराते हुए निदान का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा कई कई महीनों से वेतन नहीं देना और वेतन की मांग किए जाने पर हमारे संविदा कर्मचारियों को नोटिस जारी करके उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिए जाना। इस तरह की ऐसी समस्याएं हैं, सेवा प्रदाता कंपनियां जो विभागीय अधिकारियों की भी अपनी भी हैं और दूसरे कंपनियों को वो धन राशि लेकर के टेंडर देते हैं, उनको वो लाखों रुपये कर्मचारियों का ईपीएफ और ईएसआई का इन लोगों ने घोटाला कर लिया। इन सब समस्याओं को लेकर के हम आज ये बैठक कर रहे हैं और इसमें निर्णय लिया गया कि अगर माननीय मुख्यमंत्री तक ज्ञापन देने के बाद भी हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है तो हम विकास खंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन करेंगे। और से हमें यही कहना है कि मैं आरुण कांत वर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। मेरा ये कहना है कि जनपद स्तर पर जितनी भी समस्याएं हैं पूरे प्रदेश लेवल से लेकर के जनपद लेवल तक अलग अलग जीएसटी और सर्विस चार्ज का होना, यह प्रदेश पर निर्धारित किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया विभाग द्वारा, इसका भी निदान होना है। और चार चार पाँच पाँच महीनों से वेतन भुगतान अभी बाकी है जनपदों पर, उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, इसके लिए भी हम सबको एकत्रित होकर के आज बैठक में सम्मिलित होना पड़ा। कुल 10 मंडल के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें मुख्य रूप से मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ और प्रयागराज, आजमगढ़, फैजाबाद, वाराणसी। अपनी प्रमुख समस्याओं को लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष जी के पास आए, क्या आश्वासन मिला आपको? प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह आश्वासन दिया कि हम मिशन निदेशक डायरेक्टर पंचायती राज से लेकर के सीएम साहब तक अपना जो है विज्ञप्ति भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि निदान उच्च स्तर।